परम भाव में आत्म भाव में स्थित होकर कर्म करने से कर्म भी अकर्म होने लगता है। अस्तु परम भाव से किए गए कर्म ही ईश्वर समर्पित कर्म ही निष्काम कर्म ही अनासक्त कर्म ही अकर्ता भाव से किए गए कर्म ही हमारी हर क्रिया को कर्म नहीं अकर्म बनाते हैं। वह हमारी हर क्रिया को बंधन रहित और संस्कार रहित बनाते हैं। जग जाने पर जैसे स्वप्न अवस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के चिंता को कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में जो बड़े से बड़े पुण्य अथवा पाप किया जाता है या जग जाने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति करने का कारण हो सकता है। निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग हमें हर प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त कराता है और हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराता है। ओम।